ये 1734 ANTR है। इसमें यहाँ पर आप एक फॉल्ट देख पा रहे हैं, जैसे कि ये रेड ब्लिंक कर रहा है। ये हमारी पॉइंट वर्स्ट स्टेटस है जो कि ये ब्लिंक कर, यानी कि इसमें कुछ फॉल्ट आया हुआ है। इस फॉल्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं उसको आज की क्लास में देखेंगे। इसके अंदर पॉइंट वर्स का फॉल्ट आ रहा है, इसको क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे जो भी प्रोजेक्ट है, और उसको एक बार ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन जाने के बाद इसके अंदर पॉइंट वर्स स्टेटस है, तो पॉइंट वर्स के लिए हम पॉइंट वर्स पर राइट क्लिक करके इसकी बस के अंदर प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये हमारी पॉइंट वर्स है, इसके अंदर आ गए और इसके अंदर हम चेसेस के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये चेस साइज फ्रॉम जनरल टैब ये 2 दिखा रहा है और चेसेस साइज इन मॉड्यूल ये 6 दिखा रहा है। तो इसके लिए ये फॉल्ट दिखा रहा है, चेसेस साइज इन मॉड्यूल इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार प्रेस करते हैं, इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद जैसे हमने चेसेस को यहाँ पर मैच कराया है तो ये अभी यहाँ पर रनिंग दिखाने लगा है कि फॉल्ट क्लियर हो गया है। अभी ये क्लियर हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉल्ट क्लियर हो गया है और ये रनिंग दिखाने लगा है। तो अब इसका कैमरे में भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर इसका जो पॉइंट वर्स का स्टेटस आ रहा था वो क्लियर हो गया, ग्रीन हो गया है। तो आप इस तरह से इसकी फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।